चलो चाचा जी से बात हो गई। आज भिड़े के साथ भी कुछ ज्यादा ही भिड़ गया था, उसको जाके भी सॉरी बोल देता हूँ। माधवी क्या चाय बनाती हो तुम, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। कभी ऐसा मजा आप भी दिलाइए, कभी आपके हाथ की चाय पिलाइए मुझे। हाँ क्यों नहीं, इस संडे की सुबह की चाय मेरी तरफ से। सिर्फ सुबह की? अरे तो सुबह दोपहर शाम तुम जब बोलो तभी, और वो भी वैरायटियां, एक जैसी नहीं, मतलब अदरक वाली, मसाले वाली, तड़के वाली। तड़के वाली नहीं, इलायची वाली। बस बस बस, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। आपने इतना कहा ना, आप में मैं बहुत खुश हुआ आज, इसलिए खास गर्मा गर्म कांदा भजी बनाती हूँ आपके लिए। वाह, और मेरे लिए क्या बनाएंगी माधवी भाभी? अरे पोपट भाऊजी, आइए आइए बैठिए ना। पोपट भाऊजी आप जो कहेंगे वो मैं आपके लिए बनाऊंगी। बोलिए क्या पसंद है आपको? झगड़ा करना। आहो, इसीलिए सुबह शाम सबके साथ झगड़ा करते रहता है। एक काम करना माधवी, तुम इसके लिए जो कांदा भजी बनाओगी ना, उसमें तीखा मत डालना, सिर्फ शक्कर ही डालना, ताकि मुझसे कुछ मीठा तो बोले। भिड़े, मीठी कांदा भजी कैसी लगेगी? देखा, शक्कर का नाम लेते कैसे मीठा मीठा बोला, वरना क्या बोलता? भिड़े, मीठी कांदा भजी कोई खाता है क्या? आहो, क्या भी? बोलने दीजिए माधवी भाभी, गलती मेरी है तो सुनना तो पड़ेगा ना। भाई भिड़े, फिर एक बार सॉरी, गलती हो गई मुझसे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने तुझे। आप दोनों मस्तबी की लड़िए। हैं? हे, बातें कीजिए, मैं आपके लिए कांदा भजी लाती हूँ। और साथ में चाय भी। हाँ, मुझे का है। अंडे अंडे। थैंक यू। बहुत बंदर है, माधवी मतलब कमाल। भिड़े, ए भिड़े, माफ किया ना? पर तू बड़ा भाई है मेरा, छोटा भाई समझ के माफ कर दे। तुझे तो मेरा नेचर पता है ना, मेरे दिल में कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे निकल जाती है बात। हाँ ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार ना जरा सोच समझ के झगड़ा करना। सोच समझ के कैसे झगड़ा करते हैं? अरे मेरा मतलब है, पहले सोचो कि सामने वाले की गलती है कि नहीं, फिर बात क्या हुई उसको समझो, फिर आजू बाजू में देखो कोई है तो नहीं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो झगड़ा करना। ठीक है, अगली बार सोच समझ के झगड़ा करूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। और बता, तेरे सखाराम का क्या हाल है? सखाराम अभी बिल्कुल ठीक है, उसके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया था ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था, अभी ठीक है। गर्मा गर्म भजी। क्या खुशबू है माधवी भाभी, आज मजा आ जाएगा। एंजॉय कीजिए। वाह, गजब गजब। हा, अप्रतिम माधवी, अप्रतिम। करा करा, एंजॉय करा। माधवी भाभी, कांदा भजी और चाय में मजा आ गया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम पोपट भाऊजी। चलिए अब चलता हूँ। रुको पोपटलाल, मैं भी नीचे आ रहा हूँ, मुझे सोसाइटी ऑफिस जाना है, कुछ पेंडिंग काम है। पेंडिंग काम? पेंडिंग काम अभी भी बाकी है? अरे कब खत्म करेगा तू? देखा, इसलिए मैं बोल रहा था कि भजी में शक्कर डालो। मजाक कर रहा हूँ भाई। चल चलो चलो भाई, चलो पोपटलाल निपटा के आता हूँ। क्या? पोपटलाल के साथ जाके सोसाइटी के काम निपटा के आता हूँ। अस बंदा कभी नहीं है। मजाक है, मजाक मजाक मजाक। चल चल, मिलते हैं बाद में। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये इधर कोई रहता नहीं है क्या? ये रहते हैं ना, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। वो घर पर ही है, आराम कर रहे होंगे। मैंने बहुत बार डोरबेल बजाई, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। डोरबेल शायद खराब हो गई होगी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर भी किसी ने नहीं खोला। लगता है इस पार्सल को देने दोबारा आना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे पार्सल दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। नहीं नहीं, ऐसे किसी को भी थोड़ी दे सकते हैं। किसी को? देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आप मुझे पार्सल दे सकते। ओके सर, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी है,
हम किसी का पार्सल किसी और को नहीं दे सकते हैं। बराबर है, मैं आपकी पॉलिसी समझता हूँ, लेकिन क्या है ना, हम सोसाइटी वाले एक परिवार ही है, तो आप मुझे पार्सल दे सकते हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ना। ओ भाई भिड़े, पार्सल की जिम्मेदारी छोड़, चाचा जी की जिम्मेदारी लिए उसके बारे में सोच। मंजे? अरे मंजे, जाके देखते हैं ना कि चाचा जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। भाई साहब, आप बाद में आके पार्सल दे दीजिएगा। हाँ चल चल चल। दरवाजा नहीं खोल रहे, रुक मैं फोन करता हूँ, पर फोन भी नहीं उठा रहे। कमाल है। चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी, कमाल है, ना दरवाजा खोल रहे ना फोन उठा रहे। एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं और बालकनी पे आवाज देते हैं। चल चल चल। अरे यार काय साल ले। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बाहर आइए चाचा जी। क्या बात है भिड़े भाई, पोपट भाई, चाचा जी के लिए आवाज क्यों लगा रहे? अरे वो दरवाजा नहीं खोल रहे कब से। हाँ, और फोन भी नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गहरी नींद में सो रहे हो? ऐसी भी क्या गहरी नींद अंजलि भाभी, क्या इतनी बार दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं बाहर गए हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं उनसे मिलने गया था तो वो सोने के मूड में थे। अच्छा, या फिर वो सोसाइटी में ही किसी के घर पर गए हो। अरे हाँ भिड़े, ये हो सकता है, सबको बुलाते हैं और पूछते हैं। हाँ ठीक। माधुरी भाभी। अरे हुशार, अरे उसको क्यों बुला रहे, हम लोग साथ में ही है ना। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी। मैं यही हूँ। सॉरी सॉरी। बबीता जी, रोशन भाभी। उठे पोपट भाई। अरे चाचा जी आपके घर पे आए हैं। नहीं रे नहीं। हाँ मेरे भाई बोलिए। चाचा जी घर पे आए आपके? नहीं तो। कोमल भाभी, क्या हुआ पोपटलाल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चाचा जी आप लोग के घर पे आए हैं। नहीं तो। काय हो, काय झालं, सबको क्यों बुला रहे हैं? अरे चाचा जी कब से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं माधवी, तो सबको बुला के पूछ रहे कि चाचा जी उनके घर पे तो नहीं है। पटाल इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, चाचा जी को फोन करो। अरे हाथी भाई, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कुकड़े, सब ठीक है ना? हम सब नीचे आते हैं। आ जाओ आ जाओ। पोपटलाल तुम अय्यर को फोन करो, मैं सोडी को फोन लगाता हूँ। चाचा जी, 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 कमाल है, चाचा जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओकड़े, कहीं चाचा जी को कुछ। उगवे। नहीं रोशन भाभी, आप उल्टा सीधा मत सोचिए, चाचा जी बिल्कुल ठीक है, मैंने सुबह ही उनका चेकअप किया है। हाँ, चांगले अस्तिल थे। फिर अब तक तो उन्हें दरवाजा खोल देना चाहिए था, नहीं? आप सब लोग यहाँ पर, चाचा जी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला? नहीं। ओ यारो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी किसी काम से सोसाइटी के बाहर गए हो? पॉसिबल। नहीं नहीं, मुश्किल है सोड़ी, क्योंकि उनको आराम करना था। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। एक काम करता हूँ, अब्दुल को फोन करके पूछता हूँ, कहीं उसने ना देखा हो चाचा जी को बाहर जाते हुए। मत लगा, आ गया अब्दुल, आ गया। अरे हाँ। क्या हुआ भिड़े भाई, सोड़ी भाई, ये भाई इतना घाई घाई में है, और आप सब लोग सोसाइटी में खड़े, भिड़े भाई कोई प्रॉब्लम हुआ है? अरे अब्दुल, चाचा जी दरवाजा नहीं खोल रहे, तुम ये बताओ तुमने उनको बाहर जाते हुए देखा? नहीं। तुम दुकान में ही थे ना? हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए मैं टेरेस पे गया था, वो क्या है, वो पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गया था ना, तो उसको बंद करने के लिए गया था। मतलब पक्का उसी वक्त चाचा जी सोसाइटी के बाहर निकल गए होंगे। मैंने उनको बोला था कि बाहर जाना हो तो आप अकेले मत जाना, मुझे या भीड़े को बोलना, हम दोनों में से कोई ना कोई उनके साथ जाएगा।
मौका है चाचा जी, चाचा जी। चालू पांडे जी का फोन करे क्या? हाँ, लेकिन इससे पहले हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि चाचा जी पक्का घर पर नहीं है। पर कंफर्म कैसे करें? चाचा जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। पंच यारो एक काम करते, वो चाचा जी के घर का दरवाजा तोड़ कर देख लेते। तोड़िए भाई, दरवाजा क्यों तोड़ना है तुम्हें भाई? मेरे पास उससे भी अच्छा एक आइडिया है। क्या? तो कब बताएंगे? कल? अरे कल नहीं देगा, आज ही देगा। एक काम करते हैं, सीढ़ी से चाचा जी की बालकनी में जाकर देखते हैं कि उनका डोर ओपन है कि नहीं। वाह, चान आइडिया है। हाँ, सारी आइडिया। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर बालकनी का डोर ओपन होगा तो अंदर आसानी से जा सकते हैं। मैं सीढ़ी लेके आता हूँ। हाँ जाओ जाओ, सीढ़ी वो जी फटा दे। हाँ लगा दी, आ जाओ। मतलब लगाओ, अच्छे से लगाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चारो मैं ऊपर जाकर देखता हूँ बालकनी की दरवाजा खुला है कि नहीं। ए, 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 नहीं, तुम ये रहो, मैं जाके देखता हूँ। नीचे कोई मजबूत आदमी होना चाहिए पकड़ने के लिए। मैं जाता हूँ। सावकाश आओ। ओ हो, आराम से जा, भीड़ आराम से जा। एक हाथ से क्यों पकड़ रहे हो भैया? ये दूसरे बैग रख दो ना। अरे तुमने हाथ क्यों रखा है? सपोर्ट के लिए। तो ये सपोर्ट करो, बैग पकड़ो। अरे ये हाथ में लगा है, कैसे बैग पकड़ूं? तो ये हाथ तो फ्री है ना? अरे हाँ, लाओ लाओ पहला। ये कौन सा सपोर्ट है ऐसे एक हाथ से? पकड़ा बाबा। हाँ हाँ, संभल के संभल। संभल क्या भाई? दोनों दोनों हाथ से पकड़ो यार। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो टाइट पकड़ा। सोसाइटी की सीढ़ी है। पीछे आइए, पीछे आइए। आप नहीं चढ़ेंगे सीढ़ी पे, सांगुंडे होते। माधवी बहनी तुझे फिक्र ना करो, मैं दूसरी सीढ़ी मंगाता हूँ। अब्दुल जा दूसरी लेके। नहीं, ये एक ही थी। है तो अब्दुल, ये कैसे सीढ़ी लेके आया तू? ये मेरी नहीं है, ये तो सोसाइटी की है। तारा भेड़ा, क्या ऐसी सीढ़ी रखी है सोसाइटी में? ऐसी सीढ़ी रखते हैं जो ऐसे ऐसे टूट जाती है। अरे पोपटलाल, बारिश की वजह से लकड़ी कमजोर हो गई होगी, इसलिए ऐसा हुआ। अरे कमजोर लकड़ी नहीं है, कमजोर तेरी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है। अरे पोपटलाल, अरे तुम क्या मुझे बोल रहे हो? सीढ़ी पे मैं चढ़ा, प्रॉब्लम मुझे हुआ, तुम तो खाली अय्यर के कंधे पे हाथ रखे खड़े थे सपोर्ट के नाम पे। क्या सत्यन जी पूजा चाली इकड़े? भाई तो हाथ पे लगा है, इसलिए हाथ ऐसे रखा था भाई सपोर्ट के लिए। ओए बस करो यारो, आपस में बहस करना बंद करो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं 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 सोड़ी, तुम बिना परमिशन के दरवाजा नहीं तोड़ सकते भाई। ले मेरे मास्टर, इमरजेंसी है, दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ टंडन साची बात है, अगर दरवाजा तोड़ेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा चाचा जी अंदर ठीक है कि नहीं। करेक्ट जी। सोड़ी भाई अब जल्दी से दरवाजा तोड़िए। एक मिनट एक मिनट सोड़ी, एक मिनट। अंजलि भाभी, आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है ना जेठाल के घर की, वो दीजिए ना। हाँ नहीं नहीं, चाचा जी सुबह को ही आकर वो चाबी लेकर गए। वो क्या नाम, उनकी घर की चाबी जेठा भाई अपने साथ अमेरिका लेकर गए गलती से। हाय गो भाई, ये जेठालाल भी ना। ओ यारो बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। जो बोले सोना।
चाचा जी के कमरे में देखते हैं। इधर देखते चाचा जी, चाचा जी यहाँ देखते किचन में। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे चाचा जी तो अपने कमरे में नहीं है। हाँ किचन में भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। तो गए कितने चाचा जी? अपना मोबाइल भी बेडरूम में छोड़ के गए हैं। अरे बाप रे। अरे देवा, जिसका डर था वही हुआ। चाचा जी बिना किसी को बताए बाहर चले गए। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा देंगे जेठालाल को। हाँ तो चलो यारो चल के ढूंढते। एक मिनट जोड़ी, चाचा जी को किधर ढूंढेंगे हम लोग? अरे पता तो होना चाहिए चाचा जी गए किधर है। सही बात है, चाचा जी कहीं अपने किसी दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए? अरे हाँ ये हो सकता है, उनके दोस्तों को फोन करके पूछते। लेकिन फिर दोस्तों के नंबर तो डायरी में लिखे होंगे ना। कहाँ होगी डायरी, जरा डायरी ढूंढे, जरा ढूंढिए ना। अरे मोबाइल में नंबर होंगे ना भिड़े। अरे हाँ दे दे दे। अरे एक मिनट आत्माराम, उनको फोन करेंगे तो उन सब को भी टेंशन हो जाएगा और सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हो सकता है चाचा जी दुकान गए हो। अगदी बरोबर है बबीता जी, नकदी दुकान ही गए होंगे चाचा जी। दुकान क्यों जाएंगे वो? तो जेठा भाई यूएस गए ना, तो हो सकता है दुकान संभाल ले चाचा जी गए हो। हाँ बराबर। अब भिड़े भाई आप प्लीज बाघा भाई या नटू काका को फोन कीजिए ना। हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। चलो अपनी गाय गड़बड़ी मत। हाँ बोलिए बोलिए भिड़े भाई। हाँ बाघा। अरे स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ हाँ। अरे सॉरी सॉरी। हाँ बाघा, चाचा जी दुकान में आए क्या? नहीं क्यों? अरे क्या है चाचा जी घर पे नहीं है, बिना किसी को बताए कहीं चले गए। क्या? अरे बाप रे। एक काम करते हैं भिड़े भाई, मैं और नट्टू काका फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं। नहीं नहीं तुम लोग यहाँ पे मत आना, हो सकता है चाचा जी वहीं आ रहे हो। ये भी ठीक है, लेकिन भिड़े भाई बापूजी का पता चलते ही आप प्लीज फोन करके हमें बताना। हाँ और तुम भी अगर चाचा जी वहाँ पे आते तो हमें फोन करके बताना। जी भिड़े भाई। कहाँ गए होंगे चाचा जी? कहीं चाचा जी फिर से गुम तो नहीं हो गए? बोलो भैया बोलो। जेठा ने मुझ पे हम पे जिम्मेदारी डाली है भाई। क्या सोचेगा जेठालाल, इतने सारे लोग मिलके एक चाचा जी का ध्यान नहीं रख सके? भिड़े भाई मुझे लगता है हमें अभी तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा। सही बात है, वो चालू पांडे जी को इन्फॉर्म कर देते, वो चाचा जी को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। हाँ वैसे भी उनको चाचा जी को ढूंढने का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है मैं करता हूँ उनको फोन। अरे कमाल है, इनका फोन लग ही नहीं रहा है, न जाने कहाँ होंगे चाचा जी। बस जहाँ भी हो चाचा जी सही सलामत हो रहे बाबा। अरे तुम सब लोग यहाँ चाचा जी? ए भैया बच्चा, मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ा? घर में क्या चोरी हो रही हुई है? जल्दी सब पुलिस को फोन लगा। अरे चाचा जी चाचा जी क्योंकि कोई चोरी हुई ही नहीं है। अरे चोरी हुई नहीं है तो मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ा? अरे बोलो किसने तोड़ा? तुम लोग मेरे सामने क्या देख रहे हो, मैंने थोड़ी तोड़ा है। मतलब कई बार मुझे महसूस होता है, शायद आपको भी होता हो, कि गोकुलधाम का नाम आश्चर्य लोक होना चाहिए। यहाँ इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है कि क्या बताएं। गोकुलधाम की हकीकत के सामने कल्पना भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी हंसी खुशी और ठहाकों भरी घटनाओं के लिए बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.